हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मजा आकर पढ़ाई करोगे। आज मुझसे सीखेंगे आयोडीन का मोलर मास को फाइंड करना। मैं बताऊंगा कुछ आसान टिप्स, जिससे क्या होगा आपको जो टफ लगता था मोलर मास, आज ही से आपको आसान लगने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलर मास का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? फॉर्मूला बिल्कुल सही होना चाहिए। आयोडीन को लिखते हैं आई टू से, यहाँ पर आई कितना है, दो नंबर दे रखा है यहाँ पर। देन सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, एटॉमिक नंबर का यूज़ नहीं करते, ओनली फॉर एटॉमिक मास का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एटॉमिक मास की जो वैल्यू दे रखी है 126 दे रखी है, मीन्स 126। जो ये वैल्यू दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा मल्टीप्लाई पर 252 आएगा। तो आप देख सकते हैं आयोडीन का मोलर मास फाइंड हो चुका है। मैंने सिखाया आपको बेहद आसान तरीका। मोलर मास को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं इसको, अणु भार भी कहते हैं। मोलर मास का यूज़ कहाँ पे होता है? मोलर मास का यूज़ होता है आपके न्यूमेरिकल सेक्टर में। जब आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसमें मोलर मास का बहुत यूज़ होता है। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपके दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।